अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद रेहान, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलजी के बारे में। व्यूअर्स, एलजी के कुछ नए स्मार्टफोन कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाले हैं, तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, तो उन्हीं इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। G6 प्लस और G6 प्रो को जून के आखिर में लॉन्च किया जाने वाला है, ये है मेन न्यूज। और एलजी ने कुछ ही माह पहले एलजी G6 को लॉन्च किया था, अब कंपनी इसका जानशीन लॉन्च करने जा रही है। जबान के अखबार का दावा है कि एलजी अपने फ्लैगशिप G6 के नाम के तहत G6 प्लस और G6 प्रो को मुतारफ करवाएगा। G6 इन अपग्रेड्स में स्नैपड्रैगन SoC नहीं होगा। G6 प्लस को 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जाने वाला है और इसमें वायरलेस चार्जिंग की सपोर्टिंग भी होगी। तो व्यूअर्स, इसके बरक्स G6 प्रो में रेगुलर G6 से भी आधी यानी कि 32 GB इंटरनल स्टोरेज होगी। दूसरी डिवाइस में दूसरा फर्क ये होगा कि G6 प्लस की कीमत तकरीबन 1 मिलियन वॉन या $890 होगी, जबकि G6 प्रो की कीमत 790,000 वॉन या $700 होगी। याद रहे कि कोरिया में रेगुलर G6 की कीमत 900,000 वॉन या $900 थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डिवाइसेस जून के आखिर तक मुतारफ करवा दी जाएंगी। तो इसके इन डिवाइसेस के मुतालिक अगर नई इंफॉर्मेशन आती है तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। और जब ये डिवाइसेस लॉन्च की जाएंगी तो फाइनली इनकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी और क्या इनकी प्राइसेस होंगी, तो उनके बारे में एक नई वीडियो में बनाऊंगा जब ये जून के एंड पर या जब भी ये डिवाइसेस लॉन्च होंगी। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, सुनने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि जैसे कि न्यू वीडियो आए तो आपको फौरन से उसका पता चल जाए और आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें अबाउट टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, फीचर्स फोन और कंप्यूटर्स वगैरह इस तरह की डिवाइसेस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक ले मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।